हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेटेस्ट स्टॉक अपडेट में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड की। दोस्तों, ये कंपनी अगर हम कहें तो फ्यूचर का यहाँ पे आपको मल्टीवैगर यहाँ पे ये स्टॉक नजर आएगा। तो यहाँ पे फ्यूचर का मल्टीवैगर स्टॉक मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और आने वाले में ये स्टॉक एक तरह से बहुत अच्छा रिटर्न आपको देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक में बहुत कुछ है और इस स्टॉक में हम पूरी डिटेल्स आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन एक साल की अगर हम बात करें तो वन ईयर में ये स्टॉक ऑलरेडी 146% से ज़्यादा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है अपने शेयर होल्डर को। तो यहाँ से एक तरह से कहें तो डेढ़ गुना तो आपके पैसे को कर ही दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये डेढ़ गुना नहीं 10x करेगा। ये 10x कैसे करेगा और यहाँ पे क्या रीज़न है 10x करने का, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। अगर यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे बेसिकली ये कंपनी है जो पावर सेक्टर से बिलोंग करती है, पावर से रिलेटेड काम करती हुई नज़र आती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें इस कंपनी की जो PE, खास करके अगर देखो अभी के टाइम पे, तो इस कंपनी का जो PE है 14 पॉइंट आपको देखने को जो मिलेगा, 14 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे 14 की पी पे आपको देखने को मिल रहा है अभी के टाइम पे गुजरात इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड। तो यहाँ पे अगर देखोगे इस कंपनी का जो मार्केट कैप है, बहुत स्मॉल कैप की कंपनी है, मात्र 2,799 करोड़ का इसका ऑलमोस्ट मार्केट कैप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों, यहाँ पे बिजनेस इनका एक तरह से अगर हम कहें तो इनका जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस नजर आएगा, क्योंकि थर्मल प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम करती है। खास करके अगर हम देखें तो ये काफ़ी पुरानी 1985 में एस्टेब्लिश हुई ये कंपनी, और अभी तक ये कंपनी बेसिकली अगर हम देखें तो गुजरात गवर्नमेंट के एक तरह से अंडर में आती है कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी के 1184 मेगावाट पावर जनरेट करती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ इसके पास अगर हम देखें तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा, जो बड़ोदरा के अंदर 2 प्रोजेक्ट है, और लिग्नाइट की अगर हम बात करें तो 2 प्रोजेक्ट ये भी है जिसमें 500 मेगावाट की कैपेसिटी है। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें जिसमें सोलर पावर की अगर हम देखें तो 262 मेगावाट कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की तो यहाँ पे विंड पावर की अगर हम देखें तो विंड पावर की भी यहाँ पे आपको मतलब कि अच्छी खासी यहाँ पे इनके पास कैपेसिटी है, जो 113 मेगावाट आपको देखने को मिलता है विंड पावर में। तो विंड पावर में भी इनका एक तरह से प्रेजेंस है। तो एक तरह से देखें तो यहाँ पे कंपनी अलग अलग मतलब कि वे में यहाँ पे पावर जनरेट करती हुई नज़र आती है। यहाँ पे अगर देखोगे ये कंपनी का जो रिटर्न मैंने बताया है, यहाँ पे 6 मंथ में आपको 6% का रिटर्न है, बहुत कुछ नहीं है। लेकिन 1 ईयर की बात करें तो 146% का रिटर्न है। लेकिन 146% का रिटर्न सोचिए कि 1 ईयर के अंदर अगर बना के दिया है, 17 अप्रैल 2023 से अगर आप देखें तो अब तक 146% रिटर्न दे चुका है। 5 ईयर्स में 160% का रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न आपको देखने को मिलेगा 645%। लेकिन यहाँ पे ऑल जो एक तरह से जितने भी हाई था उसको यहाँ पे ब्रेक करता हुआ नजर आया यहाँ पे गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये कंपनी है जो यहाँ पे मल्टीवैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है, और इसका सबसे पहला यहाँ पे कंपनी का जो प्रमाण मैं दूंगा एक तरह से बहुत कुछ है यहाँ पे अपडेट। अगर आप ये सोचो कि जो इनकी इंडस्ट्रीज की पी अभी के टाइम पे आपको देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्रीज की पी 25 पे और इसका पी 14.2 पे है, और यहाँ पे कंपनी डिविडेंड भी 2.03% का यहाँ पे देती हुई नजर आती है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे प्रमोटर जो होल्डिंग है 55.4% की होल्डिंग है, और इनके पास रिजर्व 3,043 करोड़ का देखने को मिलता है, डेप्ट मात्र 636 करोड़ है। कंपनी के पास कर्ज कम है और यहाँ पे रिजर्व्स ज़्यादा है। कंपनी का प्रमोटर 50% से ज़्यादा होल्डिंग रखे हुए है। फेस वैल्यू 10 रुपया का, डिविडेंड अच्छी देती है कंपनी के, स्टॉक का जो पी है नीचे है, और यहाँ पे ये पावर सेक्टर में बिलोंग करती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्शन के बाद इस स्टॉक के अंदर एक तेजी देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से यहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात दोस्तों, अभी जो प्राइस आपको 180 रुपये के करीब करीब देखने को मिल रहा है, और एज पर द ग्राहम नंबर 249 रुपये इसकी प्राइस होनी चाहिए। इसके साथ साथ पेट्रोस्की स्कोर देखोगे तो
8 रेटिंग दिया गया, वेरी वेरी गुड रेटिंग अगर हम कहें यहाँ पे पेटोस्की स्कोर में तो वेरी गुड रेटिंग है। और यहाँ पे ग्राहम जो नंबर दिया गया 249 रुपए इसकी प्राइस होनी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27% का कंपनी लेके चल रही है। आरएसआई है जो 55 पे आपको देखने को मिल रहा है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो एफआईएस कंटिन्यू अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। मैं वो भी चीज आपको दिखाता हूं, यहां पे देखिएगा कि एफआईएस मार्च 2024 में इन्होंने अपनी होल्डिंग क्या की है, यहां पे इंक्रीज की है। अगर एफआईएस यहां पे इंक्रीज कर रही है तो यहां पे आप मतलब कि एक तरह से आप समझ लो कि क्या होने वाला है इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पे जिनके पास अगर आप देखो एफआईएस के पास 4.97% की होल्डिंग हो गया, डीआईएस 5.91% की होल्डिंग रखे हुए, गवर्नमेंट के पास 7.64% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 26.07% की होल्डिंग देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे प्रमोटर में देखो गुजरात ऊर्जा विकास निगम का 25%, गुजरात अल्कालाइज एंड केमिकल्स लिमिटेड का 15%, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड का 14%। तो ये अलग अलग इनके प्रमोटर का जो यहाँ पे इस कंपनी के अंदर होल्डिंग देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे आने वाले समय में अभी एफआईएस और भी ज़्यादा बाइंग करेंगे इस स्टॉक के अंदर, तो यहाँ पे स्टॉक अपसाइड ही दिखाएगा। तो यहाँ से फ्यूचर मल्टीवैगर स्टॉक तो बनेगा ही, क्योंकि पावर की डिमांड तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। और यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, खास करके अगर हम बात करें दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक, तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है, यहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा दिसंबर 2022 से दिसंबर 2023 में देखें तो 34 करोड़ से सीधा बढ़ के 47 करोड़ हो गया है प्रॉफिट। तो इनका प्रॉफिट बहुत तेजी से इंक्रीज किया, साथ में इसकी मार्जिन है जो 22% से बढ़ के 27% पे पहुंच गया है। और इनका जो सेल्स है 376 करोड़ से घट के 354 करोड़, तो सेल्स में गिरावट है लेकिन यहाँ पे मार्जिन बहुत अच्छा कंपनी का देखने को मिल रहा है और यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छा इंक्रीज किया है कंपनी का। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे कंपनी का जो प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो ऑल टाइम हाई सेल्स कर रही इस बार। और यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है 197 करोड़ का होता हुआ नजर आ रहा है। तो कंपनी यहाँ पे कंटिन्यू अच्छी प्रॉफिट कर रही है। अगर पुराने वाले मार्जिन पे पहुँच जाती 39-35 पे तो सोचिए कि यहाँ पे कंपनी का जब प्रॉफिट तेजी से आएगा तो क्या यह स्टॉक तेजी से नहीं भागेगा। इसके साथ साथ अगर आप देखो अभी भी ये स्टॉक है जो 14 के ही पी पे है और यहाँ पे इंडस्ट्री के पी पे भी इसका स्टॉक आता है, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी गेन आपको 80-90% देखने को मिल जाएगा करीब करीब। तो यहाँ पे एक तरह से फ्यूचर गेन काफ़ी अच्छा हो सकता है। और इस कंपनी का बैलेंस शीट भी इतना ख़राब नहीं है, बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है यहाँ पे गुजरात इंडस्ट्री पावर कंपनी लिमिटेड का। दोस्तों यहाँ पे कंपनी CWIP में काम कर रही है कंटिन्यू, इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट कर रही है और यहाँ पे टोटल एसेट्स इंक्रीज करती हुई नजर आती है। इसके साथ अगर हम बात करें इस कंपनी की जो यहाँ पे अपडेट आपको देखने को मिलेगा, जो कंपनी का फ्यूचर प्लान है जिसके बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये कंपनी एक तरह से देखें तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको रिटर्न दे सकती है। दूसरी सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको चीज़ न्यू प्रोजेक्ट में आप देखिए रिन्यूएबल एनर्जी पार्क एट खावड़ा में देखने को मिल रहा है जिसमें 2375 मेगावाट कैपेसिटी है, 600 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट में खावड़ा में देखने को ही मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए सोलर पावर में रिन्यूएबल एनर्जी में अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे सोलर पावर खावड़ा प्रोजेक्ट में 500 मेगावाट का आपको देखने को मिल रहा है जिसका टैरिफ 2.73 रुपये का मात्र है। यहाँ पे जो इनका एक GUVNL करके यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे PPA भी जो इनके साथ साइन होता हुआ नजर आया एग्रीमेंट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मतलब FY22 कंपनी रिकॉर्डेड 86% टोटल सेल्स फ्रॉम द गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अंदर देखने को मिला है। और यहाँ पे प्रमोटर 25% स्टेक जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि इनके अंदर प्रमोटर के रूप में गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का इनकी होल्डिंग है ऑलरेडी इसके अंदर 25%। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपको चीज़ें देखिए गुजरात ऊर्जा 25% की होल्डिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो इस कंपनी के अंदर प्रमोटर है। तो दोस्तों इनकी होल्डिंग यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है।
और यहाँ पे इस कंपनी के जिसको GPCL करके हम बोल रहे हैं, इनकी वेबसाइट पे GPCL का विजिट करोगे तो गैस बेस्ड पावर प्लांट्स, लिग्नाइट पावर प्लांट्स, रिन्यूएबल पावर प्लांट्स, लिग्नाइट माइंस, ये सब सारी चीज़ों से रिलेटेड कंपनी काम कर रही है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाया होगा दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो का लाइक बटन नहीं दबाया तो वीडियो का लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, और यहाँ पे आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ऑल वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले दोस्तों किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। थैंक यू दोस्तों।